नमस्कार, आप देख रहे हैं रीति न्यूज भक्ति बड़ी करमलैया नरसिंहपुर से, जहां पर नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह ने आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए शुभकामनाएं दी एवं विद्यार्थियों से अपील की है कि वे बगैर तनाव के चिंता व भय मुक्त होकर बोर्ड परीक्षाएं दें। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह का जिले के विद्यार्थियों से। गुरुवार से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के क्रम में मैं 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ यह कहता हूं कि यह मेरा सुझाव है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, बिना किसी एंग्जाइटी के आप ये परीक्षा दें और बिना फल की चिंता किए हुए, बिना रिजल्ट की चिंता किए हुए, आराम से, इत्मीनान से पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के आप पर्याप्त समय दे करके उन सवालों को का हल खोज कर उनको बाकायदा उसमें लिखें। ये परीक्षा यह आपकी काबिलियत को जांचने का कोई प्रयास नहीं है, आपकी सिर्फ जो सिलेबस था उसकी तैयारी को ही जांचने का एक प्रयास है और यह अंत नहीं है और एक केवल माध्यम है, एक केवल जरिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे नरसिंहपुर के 10वीं और 12वीं के छात्र बेहद मेधावी, बेहद सक्षम हैं और निश्चित रूप से वो अच्छे अंकों से पास होंगे। कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उत्साह के साथ इस प्रक्रिया का आनंद लेते हुए, इस परीक्षा की प्रक्रिया का आनंद लेते हुए आप परीक्षा में भाग लें और इन बच्चों के माता पिता से भी मेरी ये अपील है कि आप सब भी इसको केवल एक माध्यम माने और यही बच्चों को समझाएं और न स्वयं किसी दबाव में आए और ना ही अपने बच्चों को इस परीक्षा किसी दबाव में रहने के लिए बाध्य करें। और जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचर, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। मेरा आप सबसे, बच्चों से और अभिभावकों से ही अपील है कि कर्म में ही हमारी निष्ठा हो और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने निहित कर्मों को हम करते रहें और हमें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। हर सार्थक प्रयास, हर अच्छे प्रयास, अच्छे संकल्प निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हैं। मेरी आप सभी बच्चों को एक बार पूरे ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।